वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एज यू नो दैट योर इंग्लिश रीडर बुक वी हैव कम्प्लीटेड योर फर्स्ट चैप्टर वेयर गो द बर्ड्स. नाउ कमिंग टू द चैप्टर सेकेंड, दैट इज द थीफ एंड द फॉक्स. हेयर थीफ मीन्स चोर, फॉक्स लोमड़ी, है ना. द थीफ एंड द फॉक्स, इट्स अ स्टोरी रिगार्डिंग द थीफ एंड द. देर आर मैनी फेमस स्टोरीज अबाउट एनिमल्स दैट बिकम क्लासिक्स. एंड हैव यू हर्ड अबाउट दिस फेमस बुक, अ हॉर्स कॉल्ड ब्लैक ब्यूटी, और अबाउट whale named Moby Dick. There are many more such beautiful stories. So here he is saying that many stories are related to the animals, है ना, जो classic stories है काफ़ी, ठीक है, that are related to the animals. आपने इनमें से अगर कोई story पढ़ी है तो then please tell me, okay? And now here is a match the quality or trait to the animal in the columns. अब ये कुछ animals आपको दिए हुए हैं, ठीक है. हेयर सी, देयर आर एनिमल्स गिवन एंड उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो आपने बतानी है उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है. हेयर फर्स्ट वन इज स्टबन. स्टबन क्वालिटी क्या होती है, जो ज़िद्दी होते हैं, ठीक है. हार्ड वर्किंग, मेहनती, जो मेहनती होते हैं बहुत ज़्यादा. फेथफुल, जो बिल्कुल आपकी सपोर्ट करे. फेथफुल हेयर मीन्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, ओके. देन नेक्स्ट इज स्ले, SLY स्ले. स्ले कौन से होते हैं, जो शरारती होते हैं, जो शरारती होते हैं ना उनको कहते हैं. फुलिश, जो कौन होते हैं, यस बेटा बताओ, फुलिश का मीनिंग आपको पता है, बेवकूफ़. यस, जो बेवकूफ़ होते हैं ना, दिमाग से काम नहीं लेते, वो होते हैं फुलिश, ठीक है. अब आपको राइट हैंड साइड में आपको एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, द डॉग, फॉक्स, बीवर, डोंकी. बीवर हेयर मीन्स भूरे रंग की जिसकी बेटा फर होती है, ब्राउन कलर फर एनिमल है बीवर. डोंकी एंड म्यूल. म्यूल हेयर मीन्स खच्चर. खच्चर होता है ना, द एनिमल विच कैरी हैवी लोड्स, सो खच्चर, ठीक है. सो अब हमने इनको मैच करना. हेयर फर्स्ट स्टबन ई. खच्चर क्या होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, तो इसके साथ ये मैचिंग हो जाएगी. हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग कौन से होते हैं, डोंकी, है ना. गधे से हम बहुत काम लेते हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग. फेथफुल, फेथफुल कौन होता है, डॉग, यस. शरारती, शरारती कौन होता है, फॉक्स. फुलिश, बीवर, ओके. सो दिस इज़ द मैचिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द स्टोरी. हेयर इन, इन हेयर मीन्स अ स्मॉल होटल, एक छोटे से होटल को कहते हैं भी इन. प्रिटेंडेड मतलब कि हमने अंदाज़ा लगाना चीज़ के लिए. आर्ग्यूमेंट किसी से बहस करनी. केस कोई किसी बारे में बात करनी, घटना के बारे में, कोई इंसिडेंट के बारे में. डल, डल के टू मीनिंग्स होते हैं. डल का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ का, जैसे अगर हमारे पास कोई ब्राइट कलर चीज़ है, अगर उसका रंग फीका पड़ जाए तो उसको भी हम डल कह देते हैं. बट हेयर डल मीन्स मेंटली स्लो, कि आप सैड महसूस करें, मेंटली आप लो या फिजिकली लो फील करें. अ ग्रेट डील ऑफ हेयर मीन्स अ लार्ज अमाउंट. हे, हे क्या होती है, ड्राइड ग्रास. हॉर्स खाता है ना ड्राइड ग्रास, हे. क्वेंच, क्वेंच हेयर मीन्स प्यास बुझाना, ठीक है, अपनी थर्स्ट को रिलीफ करना. फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स लपटे, ठीक है, बर्निंग फायर्स की लपटे होती है ना. ओके, नाउ कमिंग टू द स्टोरी, दैट इज योर चैप्टर सेकेंड, पेज नंबर 16. ओके, लेट्स रीड द स्टोरी. नाउ लीड्स द स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स एंड हाउ ही हेल्प टू कैच अ लायर. एक क्लेवर फॉक्स ने कैसे हेल्प की थी लायर को कैच करने में. Once upon a time, long, long ago, a traveler was going on a long journey on his horse. तो एक बहुत बहुत पुरानी बात है, कहते हैं long, long time ago, एक traveler जो था, यात्री था, वो एक journey पर जा रहा था. कहा किसके ऊपर, अपने horse के साथ. He had been riding all day and was feeling very tired. He knew that his poor horse must be tired too. ठीक है, वो सारा दिन ride कर रहा था horse की, तो वो tired feel कर रहा था, थका हुआ. He knew that कि उसका जो horse है वो भी थका हुआ है. So he decided to stop for the night as soon as he came to village. तो वहाँ village में गया, तो village पे जैसे वो पहुँचा तो उसने सोचा कि वहीं मैं अपनी रात, अपनी night spend करूँगा. After a while he saw a village in the distance and soon he was standing outside an inn.
ठीक है। तो जैसे ही उसने विलेज देखा, ठीक है, तो वहां विलेज के ऊपर वो स्टे करना उसने सोचा, और वो कहाँ खड़ा हो गया, इन इन एक स्मॉल होटल को भी कह देते हैं, या एक धर्मशाला को भी हम इन कह देते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में स्मॉल होटल्स नहीं होते थे, धर्मशाला होती थी। ही टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड वेंट टू द इन। वो उसने हॉर्स को टाई किया और चला गया। ए थीफ हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड सम बुशेस, बुशेस क्या होती हैं, झाड़ियाँ, वॉज वॉचिंग हिम। एज सुन एज द मैन वेंट इन साइड द थीफ क्विकली केम क्लोज टू द हॉर्स एंड अनटाइड द रोप। तो क्या हुआ, जैसे उसने हॉर्स को बांधा, तो कोई एक थीफ था, जो चोर था, वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया, तो वो जल्दी से आके उसने जो हॉर्स का रोप था अनटाइड कर दिया। अनटाइड हेयर मीन्स खोलना, ठीक है, रस्सी को खोल दिया। क्वाइटली ही टुक द हॉर्स इन टू द वुड्स बिहाइंड द इन एंड हाइड इट देयर। तो उसने जल्दी से क्या किया, आराम से, बिल्कुल क्वाइटली, बिल्कुल स्लोली, उसने हॉर्स को वुड्स के पीछे, जो धर्मशाला के पीछे वुड्स थी, वहाँ पे उसको हाइड कर दिया, छुपा दिया। हिड हिड हेयर मीन्स छुपाना किसी चीज़ को, ठीक है। देन ही केम बैक एंड स्टूड नियर द ट्री एज ही हैड नॉट डन एनीथिंग। फिर वो क्या हुआ, वो ट्री के पीछे, ट्री के सर नियर नियर द ट्री, वो ट्री के पास आके खड़ा होगा, जैसे कुछ उसने किया ही नहीं। आफ्टर सम टाइम द मैन केम आउट टू चेक ऑन हिज हॉर्स। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज हॉर्स वॉज नॉट टू बी सीन एनी वेयर। ही लुकड एवरीवेयर बट नो लक। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, मैन आया बाहर देखने, है ना, कि मेरा हॉर्स है या नहीं, बट वो सरप्राइज हो गया कि उसका हॉर्स कहीं नहीं था। उसने यहाँ वहाँ बहुत देखा, बट नो लक हेयर मीन्स कि उसको नहीं मिला। ही नोटिस द थीफ स्टैंडिंग नियर द ट्री एंड आस्ट, आई हैड टायर्ड माई हॉर्स हेयर वाइल अगो, डिड यू सी इट। कहते थोड़ा टाइम पहले मैंने यहाँ पे अपना हॉर्स बांधा था, क्या आपने देखा है इसको। द थीफ प्रिटेंडेड टू थिंक फॉर अ वाइल एंड सैड येस आई सॉ द ट्री ईट अप योर हॉर्स। तो थीफ ने प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, ऐसे दिखावा किया कि हाँ मैंने यहाँ देखा था कि एक ट्री था, ट्री ने, जिस ट्री से आपने बांधा था ना, उस ट्री ने आपके हॉर्स को खा लिया। द ट्रैवलर वॉज सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड वट आर यू क्रेजी, हाउ कुड द ट्री ईट अप माई हॉर्स। ठीक है, अब ट्रैवलर सरप्राइज हो गया, एकदम अचंभक हो गया, अभी ये क्या कह रहा है ना, हमें एकदम सरप्राइज लगेगा आपको कोई कहे कि स्टेबल ने आपकी बुक्स खा ली हैं, विल यू गेट सरप्राइज ना। सिमिलरली वो सरप्राइज हो गया। ही एक्सक्लेम्ड मतलब उसने एकदम से उसको गुस्से में कहा कि वट आर यू क्रेजी। सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और साथ में इंटरोगेटिव, वट आर यू क्रेजी, क्या क्या तुम पागल हो, हाउ कुड द ट्री ईट अप माई हॉर्स। ठीक है, सो इतनी सी आपने स्टोरी अच्छे से रीड करनी है, नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।